हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। एक ऐसी खबर जो सनसनीखेज है, ओम शर्मा के शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों ने अवांछनीय चीजें फेंक कर मंदिर और हिंदू की भावना को तेज पहुंचाने की कोशिश की। आपको बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की प्रांतीय अध्यक्ष मीना दिवाकर गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 48 घंटे में दूसरी घटना है आगरा की, जो सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। प्रशासन के पल्ला झाड़ने पर विश्वास रखता है। सत्य घटना को झूठी घटना घोषित करना प्रशासन की पुरानी आदत है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा दोनों घटनाओं में मुकदमा कायम करते हुए दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की मांग करती है। इस समय मैं खड़ा हूं टेढ़ी बगिया में, जहां पे मोमडन बस्ती है और वहां एक पंडित जी का घर है, जहां ऊपर छत पर एक शिवलिंग की मूर्ति विराजमान थी। उस मूर्ति पर ब्लड डालकर मूर्ति को खंडित करने का काम किया है यहाँ के मुस्लिम लोगों ने, और एक व्यक्ति उनमें से हज करके भी आया। हमारा मैटर ये है सर, दूसरी मंजिल पर शिव जी का मंदिर बना हुआ है, तो उसमें किसी ने ब्लड डाल दिया, खून मिला उस पर, इस तरह जल चढ़ाते इस तरह उसका खून चढ़ा हुआ था। आपने पुलिस को बुलाया? हाँ जी। पुलिस ने क्या मदद करी आपकी? पुलिस कार्रवाई कर रही है। चलो ठीक है, एप्लीकेशन दे दिए। मामला ये है कि यहीं टेढ़ी बगिया में बिल्कुल थाने के पीछे, उसमें शिव का मंदिर है, जो मंदिर मतलब बिल्कुल पर्सनल घर में छत पर बना हुआ है। वहाँ 3-4 परिवार रहते हैं मोमडनों के, उनने कल ईद के समय भोलेनाथ के मंदिर पर बाकायदा खून चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद में वो वहाँ से निकल गए। जब सवेरे ये लोग उठ के गए हैं जिनके घर में मंदिर है, उन्हें देखा है तो उस पर खून चढ़ा है, तो उनको बहुत गुस्सा है कि वो ब्राह्मण है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है, जो उस घर में रह रहे हैं जिनका भोलेनाथ है, वो कैसे भी करके यहाँ से मकान छोड़ के चले जाए। आज जब हिंदू महासभा के लोग और भी संगठन के लोग इकट्ठे हुए, CO साहब मौजूद मिले, CO साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं मुकदमा लिख के आपको कॉपी दे देता हूँ और विवेचना करूँगा, विवेचना करके जो दोषी होगा उसको जेल पहुँचाऊँगा।